जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सर्रा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कारखाने में तूती की आवाज़ ख्वाजा साहब की चलती। तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो बेटा आपने यहाँ तक पढ़ना है इसको, ठीक है? ये पढ़ना है और मैं कल आपको पूछूंगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ। इसको बार बार देखना, किताब खोलना कहाँ पर कैसा, ठीक है? यहीं सी में पढ़ लेना, ठीक।